उतना ज्यादा स्ट्रगल. दिस इज हॉस्टल लाइफ. कभी हमारे डिपार्टमेंट आई है, ये एप्रन उठाया जा रहा है इससे और हम समझा रहे हैं क्या. काव्या को भी डेड बॉडीज दिखा के लाएंगे. गाइस काव्या का टैलेंट देखो, क्या बना रही है ये इस ऊन से, क्या बना रही है. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज है संडे और संडे के दिन मैं उठ गई हूँ सुबह 7 बजे. खुद को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कैसे उठ सकती हूँ. तो अभी मैं नहा ली हूँ और आज कपड़े धोने हैं. कपड़े भी मैंने भिगो दिए, पर बाहर इतनी ज़्यादा धुंध है, इतनी ठंड है, पता नहीं कपड़े कैसे सूखेंगे. अभी देखते क्या होता है. और अभी मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ, तो क्यों ना मैस से ब्रेकफास्ट करके आऊँ. तो अभी जा रही हूँ मैं मैस और सुबह उठ के मैंने नहा लिया, कपड़े भिगो दिए, पूरा रूम साफ कर दिया और आज पढ़ना है फाइनली, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं और पढ़ना पड़ेगा. तो अभी जा रही हूँ मैं मैस, मिलते बाद में. तो अभी मैं जा रही हूँ मैस और रूम देख सकते हो आप कितना साफ़ सुथरा लग रहा है. और अभी आके इसी जगह पे बैठ के मेरे को पढ़ना पड़ेगा. तो फिर अभी जाती हूँ मैं मैस और ब्रेकफास्ट करके आती हूँ. आपको बाहर धुंध दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा है. नोटबुक देख सकते हो आप, लैपटॉप इधर है और बिना आलस किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो पर एक बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे कि मैंने जो कपड़े धोने के लिए भिगो दिए है ना, अब क्या करूँ उनका, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही है. मतलब कि कपड़े सूखने की बजाय और ज़्यादा गीले होंगे, किसी हाल में नहीं सूख पाएंगे कपड़े. अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ. तो मैंने सोचा कि उस बात के ऊपर साइड में छोड़ के पहले पढ़ लेती हूँ, फिर देखते क्या होता है. तो मिलते गाइस बाद में. तो गाइस ये जगह जानी पहचानी लग रही होगी, कपड़े वहां पे धोना बहुत मुश्किल काम था. तो मैं काव्या के पीछे आ गई हूँ और कपड़े लगा दिए मैंने और चिप्स एंजॉय कर रही हूँ. अभी कपड़े सूख जाएंगे, ये फिर जाऊंगी मैं हॉस्टल. अभी मैंने कपड़े धो लिए और जा रही हूँ हॉस्टल. रास्ते में देखते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेती हूँ. तो गाइस रूम का हाल देख लो, मेरे को गीले कपड़े डालने के लिए एक पन्नी चाहिए थी जो कि मिल नहीं रही, उसके चक्कर में सारी अलमीरा बिखेरनी पड़ी मुझे. बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, अब पूरा सामान ये समेटना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कपड़े सुखाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा काम है गाइस सच में. कब पढ़ूंगी मैं, कल मेरा वाइवा भी है. चलो फटाफट से करती हूँ मैं ये सारा सही, फिर मिलते हैं. और गाइस एक तो मेरे पास फ़ोन रखने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं है, दिखाऊँ पीछे क्या क्या रख रखा है मैंने. वेट देख लो गाइस, फ़ोन रखने का जुगाड़, यहाँ पे फ़ोन रखा है मैंने, पर चलो इट्स ओके. फाइनली थोड़ा तो
रूम साफ हुआ है। बस अभी स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ, फिर मैं फ्री हूँ। उसका भी टाइम लैप्स लगाऊँ क्या? चलो ठीक है। अब फाइनली कपड़े सुखा दिए हैं और अभी मैं उतना ज़्यादा स्ट्रगल। दिस इज हॉस्टल लाइफ। तो गाइस अभी 4:30 हो गए हैं और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, तो थक गई अभी मैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने कोट भी पहन लिया। हेलो गाइस, तो गाइस कल रात को मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी और बहुत तेज नींद आ रही थी, तो मैं पढ़ के सो गई थी सीधा। और आज है वाइवा, तो उसके लिए जा रही हूँ मैं। उठ गई हूँ जैसे तैसे करके, तो चलो अब जाती हूँ मैं कॉलेज। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। का भी हमारे डिपार्टमेंट आई है, ये अप्रन नहीं उठाया जा रहा है इससे, और हम समझा रहे हैं क्या होता क्या है। और काव्या डर रही है कि क्या भूतिया नहीं है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे लाइट नहीं रहती आधे से ज्यादा टाइम। अभी मैं ऑलमोस्ट फ्री हूं। गाइस हम ना इनको बता रहे हैं कि क्या होता है, तो ये सब देख रहे हैं। और अचानक से लाइट आ गई। अच्छा। और स्वीटी समझ रही है कि मैं ही डॉक्टर बन जाऊंगी। गाइस आज हमने पूरा डिपार्टमेंट एक्सप्लोर कर लिया। बेबी भी आ गई। मजा आ रहा है। डर भी लग रहा है। काव्या को भी डेड बॉडीज दिखा के लाएंगे। हमें रास्ते में मिला छोटा पिल्लू, वो कितना क्यूट है। ये डर रहा है काव्या तेरे से। आजा, ये पकड़। कितने क्यूट है ये। कौन से लड़ रहे हैं ये? व्हाइट कलर के। गंदा हो जाएगा वो, तेरा उतार दिया क्या? उसको भी उठाओ, वो बोल रहा है। बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं? लड़ाई क्या? ये क्या था? डर गए। गाइस उनकी हंसी से डर गए, ये शांत हो गए। उनका घर है और उसकी मम्मी आ गई, ये डर के भाग गए। कितना क्यूट घर है। वो कहाँ जा रहे हैं? भाग गए, अब नहीं आएंगे। और इनका घर देखो कितना क्यूट है। काव्या भी डर के भाग गई, इसकी मम्मी खा जाएगी हमें। उनका काव्या का टैलेंट देखो, क्या बना रही है ये इस ऊन से। क्या बना रही है काव्या? मफलर बना रही है। मफलर बना रही हूँ मैं, मफलर। मफलर, और ये देखो गाइस इतना बड़ा पिकाचू। इतना बड़ा, अन्नू से भी बड़ा है ये तो। और जब ये मफलर पूरा हो जाएगा फिर दिखाएंगे कैसा बनेगा। कितने दिन में बना देगी? कल से ही तो शुरू कर रहा है, अभी तो लगेगा टाइम। एक महीना? हाँ, सर्दियाँ जाने के बाद पक्का दिखेगा आपको ये में, अगली सर्दियों में। हाँ, अगली सर्दियों में। काव्या बातें काम लगा दिया मैंने। मेरे लिए रोटी पैक हो रही है गर्मा गर्म। कल मैंने बनाई 4 रोटी एक घंटे से। नहीं अच्छी लग रही है, कोरियन लग रही है। गाइस इसको कुछ दिख नहीं रहा इसकी शक्ल। अब मैं जा रही हूँ रूम और व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करता ही नहीं है, बता काव्या। कमेंट करो गाइस, तुम्हें किस टाइप का कंटेंट चाहिए ये भी बताओ। और एक बोलेगी, वो बोलती है मैं रोज बताती तुम वीडियो नहीं बनाते। अच्छा। वो आँखों पर पट्टी बांध के कुछ प्रैंक करो, कुछ ऐसा होना। अच्छा गाइज हम करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है आज। ओके गाइज, हाथ बाय बाय। काव्या के कहने पे कमेंट करना। हाँ। लाइक भी करना, शेयर भी करना। बाय बाय।